सकते हो मंथली अर्निंग जो है $985 मैं इसे तकरीबन ये होता है 75,000। हाँ तो जनाब आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्रिकेट की वीडियो को कैसे यूट्यूब पे डालकर पैसे बनाया जा सकता है। आप 2022 में IPL भी शुरू हो गया और 2022 में इंटर कर चुके हैं, तो कैसे आप क्रिकेट की वीडियो को यूट्यूब पे डाल करके उससे इनकम जनरेट किया जा सकता है वो भी घर बैठे। मैं ये कोई हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपको चेहरा भी नहीं दिखाना है, सिर्फ वॉइस ओवर करना है। मैं कभी भी कोई भी चीज हवा हवाई में बात नहीं करता हूँ, मैं पूरी प्रूफ के साथ बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये प्रूफ देख लीजिए। हाँ तो यार देख सकते हो यार जो कि इनका अर्निंग दिखा रहे हैं, मैं इनका चैनल का नाम है YouTube News 24 क्रिकेट का अड्डा, ये देख सकते हो इनका YouTube News 24 है। और इनका जो एस्टिमेटेड अर्निंग देख सकते हो मंथली अर्निंग जो है $985, मैं इसे तकरीबन ये होता है 75,000 रुपये ये मंथली अर्न करते हैं सिर्फ क्रिकेट की वीडियो डालकर। इनके चैनल को आप विजिट कर सकते हो कि कैसे ये वीडियो बनाते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख सकते हो और इनकी वीडियो को सीख सकते हो कि कैसे ये वीडियो में वॉइस ओवर देते हैं, तो आप वहां से सीख सकते हो। मैं ये प्रूफ दिखाया हूं कि आप लोग को बिलीव हो जाए, तो इसीलिए मैं ये बताता हूं आप लोग को, जितना मैं बता रहा हूं पूरी प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूं। हां तो जनाब मेरी बातों पे कुछ तवज्जो जरूर फरमाइएगा, मैं जो बताने वाला हूं आप इस बातों पे तवज्जो जरूर फरमाइएगा। व्हाट डू एंड व्हाट डू नॉट, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला चीज मैं जो बताने वाला हूँ आपको कि आपको अपने कंटेंट में कभी भी वीडियो क्लिप यूज नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कंटेंट में वीडियो क्लिप यूज करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने के खतरा रहेगा, जैसे कि आपका चैनल जिससे कि खतरे में आ सकता है और डिलीट भी हो सकता है। तो मैं कभी भी आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वीडियो क्लिप यूज करिए। हालांकि बहुत लोग ये वीडियो क्लिप भी यूज करते हैं, लेकिन आप ऐसा गलती ना करें। अब मैं बताऊंगा वेड you find the content, जहां दोस्तों आपको ऐसा content कहां मिलेगा। तो इसके लिए आपको मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि वर्ल्ड के जितने भी प्लेयर हैं, सारे वर्ल्ड के जितने भी प्लेयर हैं, सारे लोग को फॉलो कर लेना, हर एक सोशल मीडिया पे फॉलो करके रखना है, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया। हाँ लेकिन एक बात जरूर सुनिएगा कि ट्विटर पे आपको जरूर फॉलो करना है और साथ में आप BCCI को भी फॉलो कर लीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI को भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां से कोई भी न्यूज अपडेट वगैरह निकल के आती है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, जो कि आपका एक कंटेंट का काम करने वाला है। तो मैं ये बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको। अब दूसरी चीज आ रही है आपकी कि आपको वीडियो के लिए, वॉइस ओवर के लिए, जो कि आपकी वीडियो को और आला उम्दा और बेहतरीन बनाएगा, इसके लिए फोटोज पिक्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ वेबसाइट्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपको वहां से इन तरीके को यूज करके आप वहां से फोटोज पिक्स वगैरह उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो वेबसाइट होने वाला है उसका नाम है www.ipltt20.com और सेकेंड वेबसाइट होने वाला है www.bccitv.in। आप यहां से वीडियोस फोटोज वगैरह मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप क्या करिएगा यहां पे फोटोज ज्यादा उठाइएगा, वीडियोज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपकी स्ट्राइक आने के चांस रहती है। तो फोटोज वगैरह आप यहां से उठा सकते हैं वॉइस ओवर के लिए, जो कि आपकी वीडियो आला उम्दा और बेहतरीन बन सके लोगों को। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और चीज, ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको इसको ध्यान से सुनना, आप अपने वीडियो में कभी भी लोगोज वाले चीज यूज ना करिएगा, कोई भी लोगो वाले कंटेंट यूज ना करिएगा, जिससे कि मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा लोगो वाले चीज यूज करने के लिए। आप उसको क्रॉप कर लीजिएगा या उसे रिमूव कंटेंट करके, एक वेबसाइट आती है वहां से रिमूव कर लीजिएगा या उसे क्रॉप करके यूज करिएगा, क्योंकि इससे खतरा रहता है आपके स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम वगैरह आने के लिए। तो लोगो वाले चीज को अवॉइड करिएगा, ये मेरा तरीका है। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं वीडियो सबसे अलग लेके आता हूँ और सबसे शॉर्ट फॉर्म में बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा इन्फॉर्मेशन लगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।